हेलो दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्ती आपकी आने वाली है और लगातार अब आपकी भर्तियां आना स्टार्ट हो चुकी है। अब बात आती है कि आपकी भर्ती जो है संविदा बेस पर आ रही है या फिर जो है सीधी भर्ती हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है 2022 में यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही है। आप देख सकते हैं जो अभियंत्री की है वो आ चुकी है, समूह एक की है इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जब हम नियम पुस्तिका में जाते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम परीक्षा कार्यक्रम में जाते हैं तो यहाँ पर PAT और जो नर्सिंग ये ऐसी जो अन्य भर्तियां हैं देखने को मिल रही है। उसी तरह से यहाँ पर जो है ग्रुप 4, कौशल विकास, समूह 2, समूह 5, समूह वन रक्षक, जेल जो प्रहरी है, जेल उपनिरीक्षक भर्ती है। तो ये तमाम भर्ती आपको यहाँ पर देखने को एग्जामिनेशन कैलेंडर में मिल जाएगी। तब ये सभी भर्तियों की पोस्ट को टोटल गिना जाएगा और इसके बाद में अन्य भर्तियाँ यहाँ पर जो है डायरेक्ट कभी भी आ सकती है जो कि इस कैलेंडर में नहीं दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं MP पुलिस हो जाता है, जैसे कि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 ये भर्तियां हो जाती है, उसी के साथ में पटवारी हो जाती है और अन्य जो आपको देखने को मिलेगी ASI SI, तो इस टाइप की जो भर्तियां हैं वो कैलेंडर में अभी अपडेट नहीं है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है या हो सकता है कि कैलेंडर में अपडेट हो जाए और तुरंत जो है आपकी नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाए। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अभी सितंबर टेंटेटिव डेट बताई जा रही है जो है समूह 4 की, तो सितंबर भी लगभग आने ही वाला है। तो सितंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन आने के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 1 लाख भर्तियाँ आपकी कहीं ना कहीं लगातार आने वाली हैं इस वर्ष और अगले वर्ष, इन दोनों को मिला के जो है कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा ही भर्ती आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और यह भर्ती बिल्कुल आपकी सरकारी रहने वाली है क्योंकि इसकी जानकारी जो है ट्विटर में आप देख सकते हैं, जो कि आपका जनसंपर्क विभाग है वहाँ पर भी जो है ट्विटर में आपको बताया गया है कि 1 लाख सरकारी भर्ती जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का SSC है, SSC में भी कहीं ना कहीं आपके 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ की जाने की बात की गई है। और वहाँ पर आप देख सकते हो जो पोस्ट ऑफिस में SAPA की जो भर्ती होती है उसके काफ़ी सारे पद खाली हैं, तो वही कहीं ना कहीं आपकी CGL में आने वाली है। तो जब अभी आप देख सकते हैं कि CHSL में जो है PA और SA की भर्ती होती है, लेकिन अब CGL के तहत ये भर्ती होने के ज़्यादा से ज़्यादा इस बार चांसेस हैं और वैकेंसी की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा 3 गुनी 4 गुनी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इस दौर पर जो है 1 लाख भर्ती आपकी जल्द से जल्द आने वाली है, इसलिए जो है बिल्कुल आप जो है इसका वेट कर सकते हो। बहुत ही जल्द आपको इनकी लगातार नोटिफिकेशन एक के बाद एक धीरे धीरे देखने को मिल सकती है। तो चलिएगा मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।